सबके गोर छुके गोर लागत नहीं। और काले को हमारे सिनेमा बहुत खूबसूरत सिनेमा रिलीज हो रहा होगा, जो उनके परिवार से जुड़ल कहानी है। वो बाप जी बहुत अच्छा खूबसूरत सिनेमा बाबू, सुना के देव पांडे जी डायरेक्ट के लिए बनी। रितु सिंह जी बहुत अच्छा अदाकारा, जो उनकी लगा के फेर लवले जान लेवे करे बगले। मनोज टाइगर जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर बड़े जो उनकी रोज सबके देखे की मिली। और ओकरा के रिलीज करा तनी हमार बड़ भाई प्रवीण भैया, जो बिहार और 40 थिएटर लाग रहा बा, 40 हॉल में लाग रहा बा। और हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना बार वो सबके सुने के मिली। एगो बाप बेटा के रिलेशन का होला, जब सारा कुछ बिगड़ जाला तब समझ में बाप के मोहब्बत आवेला, जब बिगड़ जाला तब बेटा के भी इमोशन जो बाप के प्रति होला उस समझ में आवेला। तो एगो परिवार से जुड़ल कहानी बा। और प्रवीण भी बहुत अच्छा से ओकरा के डिस्ट्रीब्यूट करा तनी, बहुत अच्छा से रिलीज करा तनी। तो दिल से धन्यवाद बा प्रवीण भैया के, पूरा हॉल जितना भी बिहार के लोग बाजी प्यार देता। ऐसे जे वो लोग चोरी चोरी चुपके चुपके के बहुत अच्छा प्यार देनी देता नहीं, अभी भी वो कई जगह लागल बा। कुछ लोग के शिकायत बा कि भैया इतना गाना इतना फिल्म, तो कुछ चीज ऐसा होला ना कि सारा सिनेमा कहीं ना कहीं लॉकडाउन के वजह से सब स्टॉप पर रहा। आज भी पैसा लगौले बा भाई, हम तो एगो आर्टिस्ट हैं, हम एगो कलाकार हैं, कलाकार होके के नाते हमार का दायित्व बनता जो हम क्यों के कहीं के द्वारा रिलीज मत करी। लेकिन हाँ, सिनेमा जितना भी हमारे बनल बा सब के सब सिनेमा एक अलग लेवल पर बनल बा। रउ लोग सबके प्यार दी, जौन रउआ दिल के अच्छा लगता हो करके आशीर्वाद दी, दुलार दी। ऐसे जे जौन भी हम करी ले रउआ सब खाती करी ले, रातों दिन मेहनत भी करी ले तो रउआ सब खाती ही करी ले, रउआ सबके प्यार पावे खाती ही करी ले। और नवरात्र में गाना ऐसे जे माहौल नहीं खे, अभी पंडाल उंडाल बने लगी था शायद, बोलूँ कि वह गाना बहुत अच्छा लगे लगे। और जब माहौल रहे कोरोना से पहले हम 30-30 को 40-40 को गाना गावता नहीं, और सब गाना के बोलूँ प्यार देता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो घबराए के बात नहीं के, कुछ लोग बेमतलब के बातें करे लगा था, और वो कुछ है लोग बा जमके प्यार करे लोग बात ना करे, जमके प्यार करे लोग हमेशा आशीर्वाद हमके देला, हमारा दुख में भी रहला हमारा सुख में भी रहला। हम कुछ भी करी ले तरह वालों के लिए खाती ही करी ले, हम अपना खाती कुछ ना करें। और बापजी जो सिनेमा बा लॉकडाउन के वजह से ना, तो बहुत पहले रिलीज भग रहे लिट्टी चोखा हमारे जो सिनेमा बा लॉकडाउन के वजह से ही फंसल। अभी जितना सिनेमा हाँ इधर छठ तक थोड़ा सा भीड़ रही, लेकिन ओकरा बाद और फेस्टिवल जब आवे लगे जैसे दुर्गा पूजा हो गई, छठ हो गई, 15 अगस्त हो गई, होली हो गई, बहुत सारा चीज बवे जो लोग फेस्टिवल पर ही ज्यादा करके सिनेमा लेके आवेला। और हमारे लगातार लॉकडाउन की वजह से सब सिनेमा बन के पड़ लिया जाए, तब रो लोग ने प्यार और आशीर्वाद दिया। और 40 थिएटर मने 40 गो हॉल में लाग रहा बा बाप जी। और प्रवीण भी बहुत खूबसूरत सिनेमा बन रिलीज करा तनी वहां के। प्रवीण भी आके ढेर सारा शुभकामना, थैंक यू काव्या सिंह जी, थैंक यू बहन, प्रशांत कुमार लव यू भैया, लव यू टू, अजय यादव जी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू अजय भाई, मुन्ना कुमार यादव कंग्रेचुलेशन। आप लोग प्यार दीजिए। कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये चीजें ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, नहीं आता है तो प्रॉब्लम होती है कि भैया कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ भेज ही नहीं रहे, हम करते हैं तो आप कहते हैं कि ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कुछ पल की बातें है, दशहरा के बाद सारी चीजें सीमित हो जाएगी। और दशहरा के बाद मैं खुद ही इतना ज्यादा काम करता हूं, परेशान रहता हूं, ना सोने का ढंग है, तो अब थोड़ा सा नींद ले लेके काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा। विशाल यादव लव यू भाई, विशाल जी लव यू, लव यू अनिल यादव, सबके सबके दिल से प्रणाम है। जितना लोग बा भाई हमारे से जुड़ल बा प्यार करे वाला लोग बा, जग जवान जय जवान जग जीवन यादव जी, गुड आफ्टरनून साहेब यादव कंग्रेचुलेशन, ठीक है रवि अश्वान, प्रणाम रवि भाई, प्रणाम सुरेश नाथ जी, सबके राजकुमार राजू सरकार, सबके 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 निशा अंसारी, सलाम अलैकुम भाई निशा भाई, विनोद जसवाल, सब सबके प्रणाम। और सबके बहुत लोग के नाम ना ले पाऊनी ओकरा खातिर क्षमा प्रार्थी बनी, ऐसे जे कम टाइम खातिर आ रहे नहीं। तो बाप जी जो सिनेमा हमारे बाबे बहुत एगो अद्भुत सिनेमा बनल बाबू, गाने से लेकर और कहानी सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा जी हाँ हमारे लिए हमारे माँ बाप कितने जरूरी है, और माँ बाप के लिए भी बेटे कितने जरूरत होते हैं। वो सारी चीजें मैंने कोशिश की है जो अपने परिवार से जुड़ के चीजों को किया जाए।
हाँ, तो दिल से प्रणाम है आप सबको कि आप ऐसे ही प्यार, और कल और सिनेमा रिलीज हो रहा है प्रवीण भैया के द्वारा रिलीज हो रहा है, तो आप प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए अपने बेटा अपने भाई को। और कई सारे कंपनियों से मेरे देवी गीत भी रिलीज, गीत को भी प्यार दीजिए। अभी फालतू इंटरटेनमेंट से लेकर मुझे लगता है कि सारे गमा, अंकिता फिल्म, आदि शक्ति, हमारा गणनायक, और बहुत सारे, मैं मुझे लगता है जे सात आठ सिनेमा हो, जेपी, जेपी स्टार, कई सारा नाम भी यार भूल रहा हूँ यार, लेकिन कोई नहीं, अब सबको प्यार करता है आदमी तो सबको दे देता है, उतना ध्यान रहता है। और अंकित, गुड, लव यू अंकित भाई, तो सबके प्रणाम और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए रहो सभी। पिंटू गुप्ता जी कंग्रेचुलेशन, और दशहरा भर बस थोड़ा सा भीड़ रही, ओकरा बाद सारा चीज अपने हिसाब से अपना जगह पर आई। अब हम भी सोच लिए हैं कि अब एक गाना गाएंगे तो कम से कम 5 दिन उसको टाइम देंगे, क्योंकि अब मैं कम गाना चाहता हूँ। मुझे भी लगता है कि भाई मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हर कंपनियों को मैं देना पड़ता है, अब मैं उतना भीड़, मैं खुद ही परेशान हूँ कि मैं शो नहीं पाता हूँ, डे नाइट काम करता हूँ इसलिए, ताकि मेरी पब्लिक हर वो चीज सुने और उनको रिलैक्स हो कि हाँ मेरा बेटा इतना काम करता है। कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैं भी थक जाता हूँ, उसके बावजूद भी चाहता हूँ कि नहीं यार, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता स्वरूपी, भगवान स्वरूपी जनता के लिए और क्या दे दूँ, और क्या दे दूँ, कोशिश रहती है और उसमें चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो कल बाबूजी मेरी रिलीज हो रही है, इतना प्यार, जिस तरह आपने चोरी चोरी चुपके चुपके को इतना प्यार, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पानी से दुनिया किसी को नहलाती है, आप लोगों ने खिसारी अपने बेटा को दूध से नहला दिया। मैं उन पूरे समाज को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। कोशिश करूंगा कि हर वक्त आपको कुछ ऐसा चीज देते रहूं ताकि आपको गम से निकाल कर खुशी की तरफ ले जाऊं, और खुशी की तरफ ले जाने वाला एक ही जरिया है जिसका नाम संगीत है। तो ऐसे ही मैं, आप देखिएगा बाबूजी तो आप हिल जाइएगा, बहुत दिन बाद ऐसी सिनेमा बनी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो सिनेमा, जब मैं डबिंग कर रहा था तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, इतना हंस रहा था जी मैं खुद ही पागल हो गया था हंस हंस के, क्योंकि अपना काम किया हुआ तो आदमी करता ही है, लेकिन अपने काम में अगर आपको इंजॉय समझ में आए तो समझ में आता है यार मैंने कुछ किया है। आप देखिएगा जिस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके मैंने कॉमेडी किया है, उससे कुछ हटके एक बाप बेटे की नोक झोंक जो होती है ना हमारे गांव में, वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे मेहंदी लगा के रखना में हमारे और हमारे फादर का जो भी सीक्वेंस थे आप लोगों को पसंद आया था, उसी तरह बाबजी में भी वही सेम सिचुएशन है। और मनोज टाइगर जी ने बहुत अच्छा काम किया, मनोज भैया तो अद्भुत एक्टर ही है, उनके साथ काम करने पे हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। तो सारे लोग उसमें, प्रकाश जैस जी का एक अलग तड़का है, क्योंकि प्रकाश जैस जी का एक जो टाइमिंग है वो कमाल की टाइमिंग है, तो उनका एक अलग जॉनर है, तो प्रकाश भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, और सब लोग, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी वो चीजें। तो प्लीज आप जरूर कल ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपका बेटा गदगद हो जाए, और आपके बेटा आपका गोद में जिस तरह खेलता है वैसे ही खिलखिलाता रहे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच आप सबको, और सारे का मैसेज रिलीज एक गाना हुआ है मुखिया बना दी देवी माई, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए उसको, और सारे गमा को सब्सक्राइब करिए, और दिल से प्रणाम है, माँ सबकी रक्षा करे, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए कि माँ सबको बढ़ाती रहे।